बेतिया में 9 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। शिक्षकों को लगा बड़ा झटका, शिक्षा विभाग ने रद्द की 400 पंचायत नियोजन इकाइयों की मेरिट लिस्ट। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, वोट देने के लिए शस्त्र लाइसेंस सहित 16 पहचान पत्र होंगे मान्य। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के दोनों आरोपियों की आज पटना नहीं की स्पेशल कोर्ट में पेशी, गुरुवार को हो रही आरोपियों को लाया गया था एटीएस मुख्यालय। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर के हथियार के साथ गिरफ्तार। मोकामा में बेखौफ अपराधियों ने रेलवे इंजीनियर को मारी गोली, गोली लगने से रेलवे इंजीनियर की मौत, मामले की जांच जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधियों ने बारातियों से लूट के दौरान 2 लोगों को मारी गोली, घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी, इलाके में दहशत का माहौल। बक्सर में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक की मौत, मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, मृतक के जेब से सुसाइड नोट बरामद। जहानाबाद में जानवर चरा रहे एक युवक के ऊपर गिरा हाई वोल्टेज बिजली का तार, जिससे युवक की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। दुबला में भाकपा माओवादी का आतंकी बुद्धेश्वर उरांव को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, 15 लाख का इनामी था आतंकी, आतंकी पर 80 मामले थे दर्ज। बोकारो में विस्थापित संघ ने ढोल नगाड़ों के साथ किया विरोध प्रदर्शन, इस्पात संयंत्र में नियोजन की मांग को लेकर संघ ने एडीएम बिल्डिंग का किया घेराव। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत, भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दरभंगा में शराब माफियाओं ने एक पुलिस के जवान पर चढ़ाया स्कॉर्पियो, माफियाओं ने जवान को 200 मीटर तक घसीटा जिससे उसकी मौत। श्रीनगर के धनवार इलाके में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को किया ढेर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना के हालात की समीक्षा।